हेलो फ्रेंड्स, जागृति इज वेज फूड में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कोकोनट के लड्डू। ये बिल्कुल जल्दी बन जाते हैं, इस सिर्फ 2 या 3 मिनट में। तो आइए देखें क्या क्या लिया है। कंडेंस मिल्क लिया है हमने 100 ग्राम जितना हमने लिया है कोपरे का छीन। और एक बड़ा चम्मच हमने ड्राई फ्रूट पाउडर लिया है, इसमें काजू बादाम और इलायची और पिस्ता लिया है हमने। केसर हमने दूध में भिगो के लिया है। और घी लिया है 1 बड़ा चम्मच जितना हम यूज़ करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं कोकोनट के लड्डू। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी लिया है 1 बड़ा चम्मच जितना, गैस को ऑन कर दिया है। घी हमारा जब तक मेल्ट होगा तब हम इसमें कोकोनट का जो हमने बुरा लिया है छीन, एकदम बारीक छीन लिया है हमने, वो डाल देंगे। कोकोनट का छीन डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही हिलाएंगे और अच्छी तरह से उसको सेक लेंगे। गैस की आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। हमें कोकोनट का जो छीन है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए, हमारा कलर उसका चेंज नहीं होना चाहिए, बस तब तक हम इसको थोड़ी देर ही सेकेंगे। तो देखो ये हो गया है हमारा, सिक चुका है। अभी हम इसमें केसर जो हमने भिगो के रखा है वो डाल देंगे। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे। और उसे अच्छे से हिलाकर मिक्स करेंगे। एकदम थिक हमारा डो जैसा हो जाए तब तक हम इसको मिक्स करेंगे। तो देखो ये हो गया है हमारा थिक। अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल देंगे और उसे अच्छे से मिला लेंगे। तो देखो ये हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम इसको एक डिश में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना कलर नहीं आया है जितना हम बाज़ार से लड्डू लाते हैं उसका, एकदम पीला सा जो कलर दिखता है ऐसा कलर नहीं दिखता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ कलर, येलो कलर डालूँगी। अगर आप ना चाहें तो ऐसे ही लड्डू बनाएं और मैं इसमें थोड़ा सा कलर मिलाऊँगी ताकि अच्छा दिखे और ये थोड़ा ठंडा हो जाए, अपने हाथ से मिक्स कर सके इतना, तभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मिश्रण जो है ठंडा हो चुका है। अभी मैंने इसमें कलर थोड़ा सा मिलाया है, फूड कलर लिया है मैंने, मिठाइयों में जो यूज़ होता है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। आप कोई भी साइज़ के लड्डू बना सकते हैं, पर जनरली ये लड्डू बहुत ही छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है छोटे लड्डू हो। तो इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएं और इसको कोकोनट में डीप करेंगे, कोकोनट के बूरे में जो हमने रखा है थोड़ा सा।
तो एकदम ये देखो बाजार जैसा ही लड्डू बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे लड्डू हम एक एक करके बना लेंगे। तो देखो फ्रेंड ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं घर पे। तो घर पे जो अच्छे से बन जाता है तो हम बाजार से क्यों लाए। तो आप बनाइए अपने और अपने अनुभव हमें जागृति इस वेज फूड पे जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप कोई भी रेसिपी मेरी ट्राई करते हैं और अच्छी बनती है या कैसी भी बनती है आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। लिखें कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। थैंक यू। मिलते हैं अगले रेसिपी में नए वीडियो के साथ।